है SJVN, SJVN लिमिटेड जो इस समय 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक, पहले तो मैं लेवल्स की बात करूं, मेरे हिसाब से 90 पे एक बहुत ही बढ़िया मीडियम टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट स्टॉक का बना हुआ है, और ये सपोर्ट स्टॉक होल्ड करता है तो 120 रुपए तक की जगह मैं समझता हूँ SJVN लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती, तो ये हमारी टॉपिक रहेगी। अब जहां तक के पावर स्पेस की बात करें, तो अनिल जी, जो हमारी कैपेसिटी है 172 गीगावाट की इस रिन्यूएबल सेगमेंट में, उसको करीब करीब 500 गीगावाट की कैपेसिटी पे लेके जाने का गवर्नमेंट ने इंटेंट दिखाया, और ऑलमोस्ट 17% कैपेसिटी जो है वो कैगर ग्रो करेगी आने वाले 7 सालों के अंदर। उसके अंदर में SJVN हमें इसलिए पसंद है क्योंकि आज SJVN की जो कैपेसिटी है वो क्लोज टू 2 गीगावाट है, और इसको इन्होंने अपने प्रोजेक्शंस में दिया है कि ये 2030 तक इसको 12x कैपेसिटी को ग्रो करने वाले हैं, यानी यहाँ से करीब करीब 24 गीगावाट की कैपेसिटी SJVN की करंट लेवल से होगी। अब SJVN जो है वो हाइड्रो पावर के अंदर में है, विंड के अंदर में है, और साथ ही साथ सोलार की इनकी एक कैपेसिटी है यूपी में, जहां पर करीब 80 मेगावाट का गुजरात और उत्तर प्रदेश के अंदर में कैपेसिटी इन्होंने ऑलरेडी की हुई है, तो काफी प्रोजेक्ट्स इनके इम्प्लीमेंटेशन में है। और हमें, हमारा मानना है कि जो रेगुलेटेड बिजनेस है उससे एक तो स्ट्रॉन्ग स्टेडी कैश फ्लो आएंगे, और क्योंकि एक बहुत ही रोबस्ट आउटलुक हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट पे, हमें लगता है उसका भी बड़ा बेनिफिट SJVN को मिलेगा। और हम ये मानते हैं कि जिस तरह से पीक पावर शॉर्टेज हमें देखने को नजर आई, उसकी वजह से इनका जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस है वो काफी अच्छा ग्रो करेगा, और इस इतनी बड़ी कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए जो जो इनकी कैश की और जो बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी है। आज भी आप देखेंगे तो करीब करीब 2200 करोड़ का कैश बैलेंस शीट में अवेलेबल है, तो ये सबको ध्यान में, हमें लगता है कि कंपनी काफी केपेबल है अपने इस 12x टारगेट को रीच करने का, जिसकी वजह से एक जबरदस्त री रेटिंग SJVN के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है।